सोनाली, ग्रुप में मैसेज करो। हाँ मैम। सुनाली, अंजलि हाँ मैम। और 5 मिनट वेट करते, ठीक है? स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, ब्लॉक प्रिंट देख लेते हैं अभी, ठीक है? उसके बाद एम्ब्रॉयडरी का दो पोर्शन रह गए थे अपने। मुझे कॉपी दे सकते हैं?
एप्लिक वर्क और मणिपुरी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो पहले अपन ब्लॉक प्रिंट देख लेते हैं। ब्लॉक प्रिंट जो है ये राजस्थान एंड गुजरात में ज्यादा है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। आप ब्लॉक प्रिंट कहीं पे भी देख लो, आपको ट्रेडिशनली है ये, ठीक है, प्रिंटिंग है ये टेक्निक। और साक्षी, साक्षी है क्या प्रेजेंट? हाँ मैम। नाम डालो अपना उसमें, क्योंकि आप लोगों को प्रेजेंट ही लगता है, पता है ना। कल अपनी क्लास नहीं हुई थी क्या? हुई थी? नहीं मैम, कल तो नहीं हुई ना। हाँ कल नहीं, मीटिंग के बाद हुई थी ना अपनी। हाँ मैम लिए थी ना आपने। हाँ वही मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ सोनाली का प्रेजेंट ही है, बाकी लोग का नहीं है, बाकी कोई नहीं था वही। ठीक है ओके। आज वो मैम आप पैचवर्क वगैरह का बताने वाली थी। हाँ पैचवर्क बताने वाली थी और मणिपुरी एम्ब्रॉयडरी, ये दो था। तो अपना फिर सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता था, लेकिन एक गुजरात के इसमें हमने प्रिंटिंग छोड़ दिया, ठीक है। तो प्रिंटिंग में हम लोग कभी ब्लॉक प्रिंटिंग देख रहे हैं, प्रिंटिंग टेक्निक हम लोग ऑलरेडी हमने टाई एंड डाई देखा, ठीक है। फैब्रिक प्रिंटिंग आपको पता है, लेकिन ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में आप लोगों ने सुना है, देखा है और किया भी है शायद, ठीक है। किया है इसके पहले ब्लॉक प्रिंटिंग? यस मैम किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग रिक्वायर्स इक्विपमेंट इन टर्म ऑफ वुडन ब्लॉक्स, प्रिंटिंग टेबल, कलर ड्रायर एक्सेट्रा। आपको पता ही है क्या लगता है, ब्लॉक्स लगते हैं अपने को जो वुडन ब्लॉक्स होते हैं, प्रिंटिंग टेबल लगता है मतलब बड़ा सा एक टेबल लगता है, और कलर्स लगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपने को उस टेबल पे बिछाने के लिए एक कपड़ा लगता है जो मोटा होता है, ठीक है, फेल्ट फैब्रिक बोलते हैं, ठीक है, ताकि अपन जब उसके ऊपर ब्लॉक मारे तो प्रेशर अच्छे से पड़े और अपना छपाई बहुत अच्छे से हो, ठीक है। दी ब्लॉक्स आर मेड आउट ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब सागवन का जो वुड होता है उसका होता है ये ब्लॉक्स बना हुआ। ब्लॉक कार्विंग इज डन मेनली इन पथापुर इन गुजरात, आगरा, फारुखबाद इन उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। जो ब्लॉक्स के ऊपर जो कार्विंग की जाती है, जो डिजाइन बनती है ब्लॉक्स के ऊपर, ठीक है, वो कहाँ पे बनती है? पथापुर में बनती है जो गुजरात में है, और आगरा और फारुखबाद मतलब और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, ठीक है, इसकी कार्विंग की जाती है ब्लॉक्स की। जो अच्छे अच्छे डिजाइन आपको मार्केट में मिल जाते हैं तो उसकी कार्विंग जो है वो इन शहरों में की जाती है। फॉर मेकिंग अ प्रिंट मोटिफ विथ थ्री कलर्स, फोर ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। तीन कलर्स के प्रिंट मोटिफ प्रिंट करने के लिए हमको चार ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है, वन फॉर द आउटलाइन एंड थ्री कोऑर्डिनेट फॉर द रीसेट ऑफ थ्री कलर्स। मान लो जैसे आपको एक फ्लावर बनाना है जिसमें तीन कलर आपको देने हैं, ठीक है, तो आपको चार ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी। एक अपना ब्लॉक जो मेन जो छपाई है उसके लिए, दूसरे जो तीन कलर्स है रेड ग्रीन येलो जो भी कलर ले रहे हो, पहले आप रेड करोगे फिर ग्रीन करोगे फिर येलो करोगे, ठीक है, इसलिए हमको तीन कलर्स लगते हैं। तीन कलर की ब्लॉक प्रिंट करने के लिए चार ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है रीसेट करने के लिए कलर्स को। द आउटलाइन ब्लॉक नोन एज रेखा इज रेख इज प्रिंट फर्स्ट। जो पहले जो हम लोग ब्लॉक मारते हैं उसको रेख बोलते हैं, ठीक है, आपको पता है आउटलाइन करने के लिए हम लोग लाइन का यूज करते हैं, सो आउटलाइन के लिए जो ब्लॉक का यूज करते हैं उसको रेख बोलते हैं। इट इज फॉलोड बाय प्रिंटिंग ऑफ अदर फिलिंग ब्लॉक्स नोन एज गैड। अभी अलग जो उसको ब्लॉक्स को फिल के लिए यूज करते हैं उसको गैड बोलते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ मड रेसिस्ट प्रिंटिंग मड पेस्ट इज अप्लाइड ऑन द फैब्रिक विद ब्लॉक नोन एज डाटा। अभी यहाँ पे
जो मर्ड रेसिस्ट, जो मर्ड की जो रेसिस्ट प्रिंटिंग होती है, ठीक है, मतलब जो ब्लॉक प्रिंटिंग है ये रेसिस्ट प्रिंटिंग है, आपको ऑलरेडी पता है, जहाँ पे हमको कलर नहीं चाहिए होता है वहां पे हम उसको ब्लॉक को प्रिंट करते हैं, मतलब हम रेसिस्ट करते हैं उतना एरिया, ठीक है, उस एरिया में दूसरा कोई कलर आता नहीं है, ठीक है। तो एक मिनट रुकना, हाँ In case of mud resist printing, mud paste is applied on the fabric with block known as data. अब mud resist printing के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फेब्रिक के ऊपर मड लगाना है, ठीक है, ब्लॉक्स के जरिए, नहीं तो आप पूरा कपड़े को ही मड में डाल दोगे कीचड़ में, वैसा नहीं करना है। जब ब्लॉक्स के जरिए हमको मड लगानी होती है, रेड कलर की जो गेरू होती है ना, नहीं बट उसको ड्रिपिंग के लिए कैमरा का ऐसा करना पड़ेगा, एकदम उधर नहीं होता, मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तेज़ का ही प्रॉब्लम उस टाइम होना है। यो कमरे अच्छा निकालने शुरू करते हैं, तो ऐसा तो तुमने कल से ना कर रहे हैं ना? मैसेज बंद करना। अच्छा तो तुमका रोशनी एक मिनट से जाते हैं, पकड़ लो ना। मैं वो रूम में नहीं बैठती हूँ सर, यार वहाँ जाते ही नहीं हूँ। नहीं बस मेरा आगे लास्ट लेक्चर और अभी खत्म ही हुआ। अभी खत्म ही हो रहा है मेरा सर। आवाज आ रही है ना मेरी? इतना धीरे बोलूं चलेगा? भाई चलेगा?
ओके वुडन टेबल यूज्ड फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जो वुडन टेबल यूज करते हैं उसके टू टाइप्स होते हैं. टेबल आर पैडेड विथ लेयर्स ऑफ फेल्ट ब्लैंकेट मटेरियल एंड कवर्ड विथ फाइन मसलिन विच ऑब्जर्व एक्स्ट्रा डाइट. मैंने आपको क्या बोला, एक टेबल की भी जरूरत होती है जो मोटा कपड़ा उसके ऊपर डाला हुआ रहता है जिसको फेल्ट का फेब्रिक बोलते हैं. ठीक है, क्यों रहता है वो ऑब्जर्व करे अच्छे से कपड़े के ऊपर, ब्लॉक का जो कलर होता है वो प्रेशर अच्छे से पड़े वो ऑब्जर्व करे उसको. ठीक है, एब्जॉर्व करे सॉरी. तो इसलिए वैसा एक टेबल का जरूरत पड़ता है. ठीक है, द मसलिन इज चेंज एज एंड व्हेन द फैब्रिक इज सॉलिड. इसमें दो टाइप का टेबल जरूरत पड़ती है. एक तो फर्स्ट टेबल मैंने आपको बोला कि फेल्ट या फिर ब्लैंकेट उस मटेरियल से कवर्ड हुआ रहता है. ठीक है, और दूसरा एक नॉर्मल टेबल होता है. ठीक है, उसका फैब्रिक डायरेक्टली फैब्रिक को बिछाने के लिए हम लोग यूज करते हैं और एक को हम लोग प्रिंट के लिए यूज करते हैं. ठीक है, ट्रेडिशनली टेबल्स वेयर ऑफ लो हाई टू एनेबल द प्रिंट टू सेट क्रॉस लेग्ड ऑन द फ्लोर व्हाइल पेंटिंग. दिस टेबल वेर नैरो विड्थ एंड हेंस द प्रिंट यूज्ड टू कीप मूविंग द फैब्रिक वंस द फैब्रिक इन फ्रंट ऑफ हिम वाज प्रिंटेड. अब क्या होता था, पहले फोल्डेड वाले रहते थे, अगर वो नहीं है तो नीचे बिछा के भी हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते थे. ठीक है, और फिर उसके बाद आपको पता है एक पे हम लोग ब्लॉक करने के बाद फैब्रिक को मूव करते हैं. ठीक है, देन एट प्रेजेंट सिमिलर टेबल आर यूज्ड बाय प्रिंटिंग इज सम ऑफ द रिमोट विलेज इन राजस्थान. अब ये तो मतलब ब्लॉक प्रिंट का जो टेबल मैंने आपको बताया वो सेम अभी प्रेजेंट मतलब अभी के टाइम पे राजस्थान में ब्लॉक्स के लिए इसको यूज करते हैं. ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं सेम टेबल. द मोस्ट कॉमनली यूज टेबल आर द one with normal height so that the printing is done while standing. एक normal height के table होता है जो हम लोग खड़े खड़े उसको मतलब उसके ऊपर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं. और एक पहले क्या होता था, नीचे जो फ्लोर से चिपका हुआ रहता था वैसा एक टेबल होता था. मतलब एक पट्टी समझ लो, जो पट्टी होती है ना, एक पार्टी मंटो अपन टेला पर मोटी. ठीक है, एक वैसा वाला एक टेबल समझ लो. और दूसरा टेबल जो जिसकी हाइट नॉर्मल हो, जिसके ऊपर हम खड़े खड़े काम कर सकते हैं. ठीक है, हमको बैठने की जरूरत ना पड़े. द विड्थ ऑफ द टेबल इज अप्रोक्सीमेटली 55 inches. As the fabric is laid on the table in full width, जो उसका width होता है, चौड़ाई जो होती है table की, वो 55 inches होती है approximately. ठीक है, मतलब 55 हो सकती है, 50 भी हो सकती है. ठीक है, उसकी चौड़ाई table की. ठीक है, क्यों इतनी होती है, क्योंकि easily जो fabric है वो उसके ऊपर fully covered हो अच्छे से. ठीक है, मतलब पूरा कपड़ा उसके ऊपर बिछाया जाए. The printer moves around the table to complete the printing on both the end of the open with width of fabric. ठीक है, उसका easily fabric के ऊपर उसको बिछाया जा सके, इसलिए 55 inches वैसा होता था इसका width. ठीक है, approximately. The printing tray are square wooden replaceable in which thick layer of absorbent felt material is spread. यहाँ पे क्या होता था, अभी जो ट्रायर्स रहते हैं वो स्क्वायर वुडन के होते हैं. ठीक है, और वो फिक्स्ड होते हैं फेल्ट मटेरियल, मतलब थिक लेयर जो रहती है मोटी फेल्ट मटेरियल की. ठीक है, जो बिछी हुई रहती है, और वो रिप्लेसेबल होते हैं. ठीक है, द प्रिंटिंग पेस्ट इज इवन स्प्रेड ओवर द फेल्ट मटेरियल. This tray are put on wooden trolley provide with wheels to facilitate easy move of printer from one place to another. Pigment is mixed with gum obtained from the tree such as bamboo or abrica in order to provide thick consistency to the printing paste. यहाँ पे जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब कलर. ठीक है, कलर जो होता है उसको मिक्स करते हैं गम के साथ. गम कौन सा, जो
पेड़ों से निकलता है, ठीक है, जैसे बांबू के पेड़ से निकलता है ना गोंद, है ना, या एब्रिका के पेड़ों से निकलता है गोंद। एब्रिका का पेड़ आपने देखा होगा, वो एक पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, देखो उसमें तुर्रे तुर्रे बने रहते हैं बहुत सारे, उस वाले पेड़ में भी गोंद होता है, ठीक है, और बबूल के पेड़ में भी गोंद होता है, वो जो जिसको टिंक बोलते हैं, ठीक है, वो गम में पिगमेंट को मिलाया जाता है, ठीक है, और उसकी थिक कंसिस्टेंसी बनाते हैं प्रिंटिंग पेस्ट के लिए। प्रिंटिंग प्रोसेस ये ट्रेडिशनली मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, अभी तो हमको फिक्सर बाइंडर ये सब लोग हम लोग यूज करते हैं, बट पहले इसको इस तरह से किया जाता था। देन प्रिंटिंग प्रोसेस, प्रिंटिंग प्रोसेस क्या रहती है, डिसाइजिंग द फैब्रिक टू बी प्रिंटेड इज फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश्ड फॉर डिसाइजिंग टू रिमूव स्टार्च और एनी अदर इम्प्योरिटी फॉर इट, दिस विल इंश्योर इवनली प्रिंटिंग फैब्रिक। अभी आपको पता है डिसाइजिंग क्या होता है, डिसाइजिंग क्या होता है हमने इसमें पढ़ा था टेक्सटाइल में, ठीक है, जब हम लोग फैब्रिक को डाई करने के पहले टाई एंड डाई में भी हम लोग डिसाइज करते हैं, जो कपड़ा होता है उसके ऊपर से रिमूव करते हैं स्टार्च को या जो भी इम्प्योरिटीज होती है उसको निकाला जाता है, क्योंकि अगर कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उसके ऊपर जितनी भी स्टार्च होती है वो निकल जाती है, अगर स्टार्च रहेगी तो हमारा जो ब्लॉक प्रिंट है या जो भी डाई है वो उसके ऊपर नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर की सतह पे रहेगी, नीचे उसको वो सोख नहीं पाएगा वो कलर, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं स्टार्च को निकाल देते हैं। तो निकालने का तरीका क्या है, धोना, उसको वॉश करते हैं, ठीक है, सबसे पहले, और उसकी इम्प्योरिटीज को पूरा दूर करते हैं। मॉडरेटिंग द केस ऑफ नेचुरल डाइज फैब्रिक आर मॉडरेंट विथ मेटल सॉल्ट टू इंश्योर बेटर एब्जॉर्बेशन एंड कलर फास्टनेस। अब उसके बाद क्या होता है, नेचुरल डाइज जो होते हैं, अगर नेचुरल डाइज के रहे, ठीक है, तो फैब्रिक को हम मॉडरेट करते हैं नमक के साथ, हम लोग कपड़े को भिगो के रखते हैं, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर का जो कलर है वो अच्छे से पक्का हो जाए, ठीक है। देन स्ट्रेचिंग ऑन टेबल, कपड़े को हम लोग स्ट्रेच रखते हैं टेबल के ऊपर, स्ट्रेच करके रखते हैं ताकि स्ट्रेटली मतलब जो उसकी वीव है वो जिगजैग या एक के ऊपर एक कभी ऐसे जमा हो जाता है कपड़ा, वैसा ना हो इसलिए उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, पिन्स की हेल्प से टेबल के ऊपर हम उसको खींच के लगाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कलर ड्राई, कलर्स का प्रिपरेशन कैसे करना है, दी वुडन ड्राई विथ फेल्ट फैब्रिक लेयर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल ट्रॉली। यहाँ पे पहले वुडन जो ट्राय होता है, उस ट्रे जो होता है वुडन का, ठीक है, उस वो फेल्ट फैब्रिक से कवर होता है, वो ट्रे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं फैब्रिक के लेयर्स रखते हैं, ठीक है। दी प्रिंटिंग पेस्ट विथ पिगमेंट ऑफ थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इज पोर्ड ओवर इट टू स्प्रेड इवनली। अभी क्या करते हैं, जो थिक पिगमेंट का जो हमने पेस्ट बनाया है वो उसके वो जो फेल्ट का फैब्रिक होता है ट्रे के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो अपना जो ब्लॉक रहेगा वो डायरेक्टली हम उठा के कपड़े के ऊपर, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना क्या छपाई करने के लिए जो छापते हैं, ठीक है, थीके? मतलब शाही में डुबो के पेपर पे छापना, वैसा ही हम क्या करते हैं वो कलर के जो फेल्ट का फैब्रिक होता है ट्रे के ऊपर उसमें वो स्टैम्प डुबोते हैं और फिर बाद में कपड़े के ऊपर स्टैम्प मारते हैं, ठीक है। देन है प्रिंटिंग द ब्लॉक फॉर आउटलाइन, मतलब रेखा, रेख इज प्रेस्ड ऑन द कलर saturated printing pad and then pressed on the fabric stretch on the table. अब आपको पता है पहले तो आउटलाइन बनाते हैं, आउटलाइन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो नॉर्मल जो पहला अपना जो एक मेन जो मोटिव वाला प्रिंट है उसका ब्लॉक उठा के हमको नॉर्मली उसको प्रिंट करना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे दूसरे प्रिंट के स्टैम्प्स उसके ऊपर करते हैं, क्योंकि हमको अगर कलर चाहिए है तो अगर तीन कलर का चाहिए होता है कोई डिजाइन तो हमको चार ब्लॉक लगते हैं, एक आउटलाइन के लिए और तीन कलर्ड वाले, ठीक है। वैसे ही अगर सिंगल कलर भी रहा तो भी हमको दो ब्लॉक लगेंगे, एक आउटलाइन के लिए और एक कलर वाला, ठीक है, समझ में आई बात।
आया समझ में? देन डाइंग, ठीक है। अब डाइंग क्या होता है, जब हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, हमने ब्लॉक प्रिंट कर लिया, उसके बाद जो हमारा बेस, जो बेसिक कपड़ा है नीचे का, जो मेन फैब्रिक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डाई करने डाल देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली डाई करते हैं। देन वॉशिंग, वॉशिंग आपको पता है क्यों किया जाता है, ऊपर का जितना भी एक्स्ट्रा कलर है या जो भी उसके ऊपर का जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए और उसका कलर पक्का हो जाए, इसलिए फैब्रिक को वॉश किया जाता है, फाइनली उसको वॉश करते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक्स है, कार्विंग की हुई वुडन ब्लॉक्स, इस तरह से होता है, वो जो ट्रे होता है, कलर ट्रे, जो फेल्ट के फैब्रिक से पूरा का पूरा कवर्ड होता है, वो इस तरह से होता है, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल ऑफ राजस्थान, राजस्थान में ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल है, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर के ऊपर में पढ़ा है ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, वही चीज है। राजस्थान इज नोन फॉर अ कलरफुल ब्लॉक प्रिंटिंग फैब्रिक, राजस्थान सिर्फ एम्ब्रॉयडरी के लिए ही मशहूर नहीं है, साथ में वो ब्लॉक प्रिंटिंग के फैब्रिक के लिए भी मशहूर है, जो कलरफुल प्रिंटेड फैब्रिक देता है, ठीक है। द अराइड डेजर्ट लैंड डिवोट ऑफ कलरफुल नेचुरल सराउंडिंग्स बाय इज कंपेंसेटेड बाय द लव एंड यूज्ड ऑफ ब्राइट कलर इन अपेरल बाय बोथ मेन एंड वुमन एंड फॉर देयर होम टू। ब्लॉक प्रिंटिंग इज अ स्टाइल फॉर प्रिंटिंग विच इज लेबर इंटेंसिव एंड वर्सटाइल। अभी हम लोग देखते हैं कि राजस्थान जो है वो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस है, साथ में ब्राइट कलर्स के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके कपड़े कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं बिल्कुल, कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही कलर ऐसे पहन के रहे, पूरा प्लेन कोई नहीं पहनता, उनके सारे कपड़ों में दो तीन कलर एड होते ही है, ठीक है। अभी ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब ये स्टाइल जो है बहुत वर्सेटाइल स्टाइल है, ठीक है। द प्रिंटिंग कम्युनिटी हैज बीन यूज्ड द सेम वुडन कर्व आउट ब्लॉक फॉर मेनी जनरेशन एंड आर स्टिल एबल टू सस्टेन द क्राफ्ट। टू विलेजेस नोन फॉर टू डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग आर बाघरू एंड संघेर नियर जयपुर। Both have similar motif, but the technique of production and the look is very different. यहाँ पे क्या है, बागरू और संघानर करके एक प्लेस है, ठीक है, वहां पे यहाँ पे टू डिफरेंट स्टाइल्स होती है प्रिंटिंग की, जिसको बघेरू और संगेनर के नाम से ही जाना जाता है, जयपुर के पास है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, दोनों ब्लॉक प्रिंट है, एक जैसी दिखती है, ठीक है, लेकिन उसके मोटिव भी सेम है, लेकिन उसकी टेक्निक जो है, ठीक है, वो अलग है और वो दिखने में भी थोड़े से डिफरेंस है। जब अपन करते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों तो ब्लॉक ही है, लेकिन उसमें डिफरेंसेस है, जो डिफरेंसेस है वो अभी हम पढ़ेंगे। बघेरू प्रिंट फ्रॉम राजस्थान, बघेरू इज अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान विच इज नोन फॉर इट्स मड रेजिस्ट ब्लॉक प्रिंट। मैंने आपको मड प्रिंट के बारे में बताया और एक ब्लॉक प्रिंट के बारे में बताया, देखने में तो दोनों एक जैसी ही दिखती है, लेकिन उसकी प्रोसेस और थोड़ा सा लुक में चेंजेस है। लुक में इसलिए चेंजेस है क्योंकि एक में कलरफुल होता है, एक में कलर लिमिटेड होते हैं, ठीक है, अब वो देखेंगे हम आगे जाके। दी बघेरू द प्रिंटिंग फर्स्ट प्रोसेस द रॉ मटेरियल विच इज मेनली कॉटन। यहाँ पे सिर्फ कॉटन के ही ऊपर ये लोग ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज करते हैं, ठीक है, टेक्निक उसकी यही है। अदर नेचुरल फैब्रिक आर सिल्क कॉटन एंड सिल्क ब्लेंड एक्सेट्रा। इसके अलावा सिर्फ कॉटन ही यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा सिल्क कॉटन और सिल्क ब्लेंडेड करते हैं, अदरवाइज और कोई फैब्रिक यूज नहीं करते। द फैब्रिक इन इज देन प्रिंटेड विथ मॉडरेट इज पेस्ट फॉर। द प्रिंटिंग इज डन बाय यूजिंग आउटलाइन एंड फिलिंग ब्लॉक्स। ये जो प्रिंटिंग होती है, आउटलाइन पहले की जाती है, देन उसके बाद वो ब्लॉक्स को फिल किया जाता है। द प्रिंट्स आर द कवर्ड विथ अ रेजिस्टिंग पेस्ट डाबू मेड ऑफ क्ले एंड गम। अब यहाँ पे क्ले और गम से जो पेस्ट हम लोग ने बनाया है मिट्टी के साथ, क्ले और गम, क्ले मतलब जो मिट्टी होती है वो, ठीक है, और गम मतलब जो हम लोग ने पेड़ में से जो नेचुरल तरीके से गोंद निकाला है, डिंक, ठीक है, उसके साथ इसका पेस्ट बनाया जाता है, जिसको डाबू बोलते हैं, ठीक है।
इट इज देन ड्राइड एंड डाई इन वेजिटेबल डाइज. अब इसको रखने के लिए वेजिटेबल डाइज में डाला जाता है. द मड रेजिस्ट पेस्ट इज यूज फॉर रेजिस्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ डाई मेनली वेजिटेबल डाइज ऑन कॉटन फेब्रिक एज पर द डिजाइन. After dyeing the fabric is thoroughly washed at the rivet. यहाँ पे जब ब्लॉक प्रिंट हो जाती है ठीक है, तो नेचुरल डाइज क्या होते हैं वो इजिली फेब्रिक के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको फिर बाद में जब ये कपड़ा डाई मतलब प्रिंट होने के बाद इसको डाई करने के लिए सॉरी वॉश करने के लिए इसको रिवर पे लेके जाते हैं नदी में ठीक है. द मड रेजिस्ट पेस्ट इज वॉश्ड ऑफ एक्सपोजिंग प्रिंटेड मोटिव on white background surrounding by the base color, hence the resulting effect of dark and deep background with light colored printing is achieved by resist by and moderating. यहाँ पे आपको एक example दिया दिखाया जाएगा. ये देखो इस तरह का होता है ये डाबू ठीक है, मतलब बघेरू. डाबू प्रिंटिंग बघेरू इस तरह की दिखती है. ये नदी में इसको धोया जाता है ताकि इसका वो जो नदी में इसको वॉश करते हैं ना उसका भी कुछ एक रीजन है ठीक है. तो उससे भी इसका एक कलर है वो जो नेचुरल कलर है वो और ज्यादा गहरा और उठ के दिखाई देता है. इसलिए यहाँ पे लाइट कलर्स जो होते हैं डीप बैकग्राउंड के साथ इसमें लाइट कलर्स का यूज किया जाता है. देन इसके मोटिव के बारे में पढ़ेंगे. द मोटिव्स आर इंस्पायर्ड बाय द 17th सेंचुरी पर्शियन मोटिव्स एंड आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग फाइव कैटेगरीज. यहाँ पे पर्शियन मोटिव्स से इंस्पायर हुआ है 17th सेंचुरी से ठीक है. तो उसके जो मोटिव्स है वो है सिंगल मोटिव्स रहते हैं जैसे फ्लावर्स लीव्स एंड बर्ड्स मतलब फूल कलियां और पत्तियां. और कुछ एग्जाम्पल्स है फूल चक्री अंगूठी और गेंदे का फूल ठीक है. ये इसमें यूज होता है. एवियन ट्रेंड्स दैट इंडिविजुअल ऑल ओवर जाला ऑफ लीव्स फ्लावर्स एंड बर्ड्स. यहाँ पे फूल और कलियां और पत्तियां और साथ में जाली भी यूज करते हैं ठीक है. मतलब उसका जो बेल बनता है वो और जो जाली थी वो मुगल पीरियड के इसमें पैटर्न में रहती थी ठीक है. आणि शिवायला तुला हे लागेल ना मशीन बरं ठीक आहे ना. आणि मग आपल्याला ते काम करायचं आहे ना, मशीन बघता येईल आपल्याला कोणती चांगली. चालेल सर. दॅट इन्क्लूड अॅनिमल अँड ह्युमन फिगर सच एज एलिफंट डिअर लॉयन पीकॉक डान्सिंग वुमन अँड वॉरियर्स मेन. जो वॉरियर मेन्स होते है उनकी भी यहाँ पे हमको मोटिव दिखाई देती है. साथ में एलिफेंट्स डियर्स मतलब एनिमल और ह्यूमन फिगर्स भी इसमें दिखाई देते हैं ठीक है. एंड बर्ड्स में पिकॉक है और जो ह्यूमन फिगर्स है उसमें डांसिंग वुमन्स आपको दिखाई देंगे और जो वॉरियर है सैनिक वगैरह ये दिखाई देंगे आपको ठीक है. ज्योमेट्रिकल डिजाइन इंक्लूड वेव्स मतलब लहरिया इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन में आएंगे. चेक्स आएंगे और साथ में लाइन्स आएंगे ठीक है और डॉट्स आएंगे ठीक है. ये मोटिव्स हम लोग बघेरू में देखते हैं. अब इसका एंड यूज क्या है बघेरू का ठीक है. बघेरू आर यूज्ड फॉर अपेरल एज वेल एज होम फर्निशिंग सच एज क्विल्ट्स बेडशीट बेड स्प्रेज और कुशन एंड कर्टन्स. कुशन कर्टन्स बेडशीट्स या फिर ये जो क्विल्ट्स रहती है जिसमें जैसे
मतलब होम फर्निशिंग के लिए जो भी यूज होता है, इसमें हम लोग को ये फैब्रिक का हम यूज करते हैं और साथ ही साथ हम लोग इसका अपैरल में भी यूज करते हैं, ठीक है। देन है संगनेरी प्रिंट फ्रॉम राजस्थान। संगनेरी ऑन दी मतलब ये जो संगनेर प्रिंट है, ठीक है, ये स्कर्ट है आउटस्कर्ट ऑफ जयपुर, ठीक है, ये जयपुर के पास वाली प्लेस पे है। मेनी ब्लॉक्स प्रिंटिंग एंड स्क्रीन पेंटिंग अंटिल आर लोकेटेड देयर। यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक प्रिंटिंग ही नहीं होती है, मतलब संगनेर प्रिंट ही नहीं होती है, साथ में स्क्रीन प्रिंटिंग भी होती है, ठीक है। मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग के अलावा स्क्रीन प्रिंटिंग भी यहाँ पे की जाती है। देन टेक्निक्स है इसके, the bright and vibrant color are print on white off white or light color background। यहाँ पे light colors के ही fabric का background use किया जाता है, जो एक फिर पूरा white हो या off white हो या तो फिर कोई भी light color हो, जैसे pink हो गया, peach हो गया, ठीक है। Firstly the outline are printed। सबसे पहले outline को print करते हैं fine blocks के साथ, then उसके बाद colored वाले block को blocks को fill करते हैं, set करते हैं, ठीक है। और हर कलर के लिए एक सेपरेट कलर का ब्लॉक यूज करते हैं। देन इसमें कुछ मोटिव होते हैं, वो मोटिव सेम बगेरुज वाले जो मोटिव्स हैं, वही मोटिव्स हमको इसमें भी मिलते हैं, वही ह्यूमन फिगर, एनिमल फिगर, ठीक है, और साथ में वॉरियर्स जो है उनका, ठीक है, और फूल पत्ती नेचुरली जो हमको नेचर से जो फ्लोरा एंड फौना है वो, ठीक है। देन इसका एंड यूज यही है, साड़ीज मिलती है, इसके दुपट्टे बनते हैं, सलवार कमीज बनती है, बेडशीट होते हैं, कर्टन कवर्स होते हैं, स्कार्फ्स होते हैं और गमछे वगैरह होते हैं, ठीक है, और होम फर्निशिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ये संगीनर, अभी कल हम कलमकारी के बारे में पढ़ेंगे जो आंध्र प्रदेश की है, और उसके बाद फिर एम्ब्रॉयडरी है मणिपुर और उसकी, तो वो इसी में हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको प्रिंटिंग के बारे में मैंने बताया नहीं था, तो अभी प्रिंटिंग भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कलमकारी के बाद प्रिंटिंग ये खत्म हो जाएगी। देन ये तो फोर्थ वाला है, फोर्थ सिलेबस, ठीक है। कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? सोनाली, अंजलि, साक्षी, कुछ पूछना है? सोनाली आवाज नहीं आई क्या? कुछ बोला आपने? नहीं मैम। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछो। लेक्चर आज का यहाँ पे खत्म हो गया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो, और कल फिर अपन थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, कल मतलब मंडे को थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा अपना, एंड फिर सॉरी सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा अपना, देन थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट करना है। कुछ पूछना है रिलेटेड क्वेश्चन? ओके, ठीक है, फिर भी टाइम है अपने पास, कुछ दिमाग में आता है क्वेश्चन तो पूछो, कुछ दिमाग में आता है तो पूछ लेना, ठीक है। हेलो मैम, ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब कोई ना मैम, वो जो ब्लॉक्स रहते हैं उससे फिर उसको पेंट लगा के प्रिंट करते? हाँ, ब्लॉक्स को पेंट नहीं लगाते, मैंने बताया ना मतलब, हाँ वही, और कुछ मैम? फिर ये जो सीधा सीधा मतलब जो आप ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन है ब्लॉक प्रिंटिंग में, वो कैसे करते होंगे मैम? ज्योमेट्रिकल डिजाइन उसमें जो कार्विंग की होती है ना, मतलब उसमें जो नक्शी काम किया रहता है ब्लॉक पे, ट्रायंगल बनाओगे ब्लॉक में तो ट्रायंगल ही आएगा, तो वो ज्योमेट्रिकल हो गया। स्क्वायर बनाओगे वो ज्योमेट्रिकल हो गया, सर्कल बनाओगे ज्योमेट्रिकल हो गया, है ना। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न आपको पिक्चर दिख रहा है, इसी के बारे में पूछ रहे हो क्या?
इसको बनाने के लिए यहाँ पे पहले प्लेन लाइट कलर का फैब्रिक लिया गया है, ठीक है, उसके ऊपर इसको डाई किया गया है, ठीक है, डाई करके, और जहाँ पे इनको डाई नहीं चाहिए, जैसे व्हाइट पोर्शन जहाँ पे है ऑफ व्हाइट कलर का, जहाँ डाई नहीं चाहिए वहां पे मर्ड लगाते हैं। मर्ड मतलब मिट्टी, जो गेरू वाली मिट्टी होती है ना, क्योंकि ये बघेरू का देख रहे थे हम लोग, तो ये लोग बघेरू में मर्ड प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, और संगेनर में ब्लॉक प्रिंटिंग कलर के साथ की जाती है, और वहां पे मर्ड के साथ की जाती है, जहां आपको रेजिस्ट करना है वहां पे मर्ड लगाते हैं, और वो मर्ड कैसी होती है, गोंद के साथ मिक्स होती है। समझा? और कुछ क्वेश्चन होगा दिमाग में आ रहा है तो पूछ लो। नहीं मैम, क्वेश्चन नहीं है कोई। मैम लीव करू का? मैम बोलो। सोनाली मैम लीव करू? हाँ कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लीव कर दो। ओके अंजलि वैष्णवी, कुछ पूछना है क्या? अंजलि वैष्णवी